डामटा में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह में हजारों की संख्या में पहुंची जनता जनपद और राज्य स्तर के जनप्रतिनिधियों के नारे पर मायूस। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति डामटा में 4 दिवसीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन कर रही है। समारोह के दूसरे दिन कबड्डी जूनियर एवं सीनियर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष चमन सिंह चौहान ने समारोह के दूसरे दिन की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। डामटा में खेलकूद एवं सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के खेल सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष चमन सिंह चौहान ने बताया कि समिति लगातार कई वर्षों से खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें कबड्डी वॉलीबॉल सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं सहित अनेक प्रकार के आयोजन करवाए जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाओं को हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही इस प्रकार के आयोजनों से क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर भी फोकस किया जाता है। हम समझते हैं कि शायद शासन स्तर पे भी कुछ कमी रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस मेले को राज्य मेला घोषित किया गया है। लेकिन राज्य मेला घोषित होने के उपरांत यहाँ पर जिन राज्य के नेताओं को जिन मंत्रियों को पहुँचना था वो समयबद्ध नहीं पहुँच रहे हैं, तो राज्य मेले का इसका औचित्य नहीं रहा। और हम ये चाहते हैं कि आगामी भी, क्योंकि ये मेले निरंतर चलते रहेंगे, ये मेला माननीय चमन सिंह जब यहाँ के अध्यक्ष थे पूर्व में, तो हम सब लोगों ने अपने संसाधनों से इस मेले को आगे बढ़ाया। हमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। अभी जब राज्य में मेला घोषित हुआ तब से 1 लाख रुपए की धनराशि हमें सहयोग के रूप में मिल रही है। तो हम इससे हमको लग रहा है कि हमारा जो क्षेत्र है वो ठगा ठगा सा महसूस कर रहा अपने को, क्योंकि मेले का नाम ही हमने विकास मेला दिया है। विकास का मतलब इन द सेंस कभी हमारे बीच में जो भी जनप्रतिनिधि लोग आएंगे वो क्षेत्र के विकास के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और जनता की जो विकास की मांगे हैं उनके सम्मुख रखेंगे। लेकिन जब कोई यहाँ पर आ ही नहीं रहा है तो हमारी एक विडंबना बनी हुई है कि हम किसके सम्मुख अपने विकास योजनाओं की बात करें और कहाँ पर जो है हम इस क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है इसके लिए। ये 21वां समारोह है और निरंतर 21 वर्षों से होता चला रहा है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिवस है और हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री कोई विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। मैं इस समिति का संरक्षक होने के नाते मुझे ही आज द्वितीय दिवस का उद्घाटन करना पड़ा, एक दुर्भाग्य की बात है। न जाने हमने हमारे प्रदेश के नेता लोग ही इतने बिजी हैं क्या चक्कर है, जबकि इस मैदान से, ये यमुना घाटी का नहीं उत्तराखंड का ऐतिहासिक मैदान है, इस मैदान से 11 नवंबर 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने ओबीसी की घोषणा की थी और रवाई जौनपुर हमारा जिला उत्तरकाशी और जिला टिहरी दो जिले हमारे ओबीसी में घोषित हुए थे। यही उपलब्धि थी इस मैदान की, इस कारण से हमारे उत्तरकाशी और टिहरी के नौजवानों को काफ़ी संख्या में ओबीसी के माध्यम से रोजगार मिला। लेकिन आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी जनता आती है, मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को इस प्रोग्राम में आना चाहिए था, बड़े स्तर का मेला है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, समझ में नहीं आ रहा है। ये विकास मेले का रूप हमने इसको दिया था कि हमारे नेता लोग हमारे बीच में आएँ और कुछ क्षेत्र की घोषणाएँ हो, जनता यहाँ पर आती है उनके उत्साहवर्धन के लिए हर वर्ष आती है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा है कि राज्य से कोई हमारे बीच में प्रतिनिधि नहीं आ पा रहे हैं, इवन देन कोई विधायक भी नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार लगातार रवाई घाटी की अनदेखी कहीं नहीं आ, बिल्कुल बिल्कुल रवाई घाटी में, तो ऐसे क्या संदेश सरकार को देना चाहेंगे इस मेले के माध्यम से? भाई मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैं कांग्रेस में जिलाध्यक्ष था तो ऐसा कोई महीना नहीं था जब जिस महीने में यमुना घाटी में कोई मिनिस्टर नहीं आता था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है 7 साल के अंदर मुश्किल से 1-2 मंत्री ही इस घाटी से आए हैं। हमें पता है उत्तरकाशी जाते हैं, पौड़ी जाते हैं, लेकिन हमारी यमुना घाटी के विकास नगर से लेके यमुनोत्री की जो हमारी है 3 ब्लॉक है, नौगांव ब्लॉक और पोरला और मोहरी और हमारा जौनपुर ब्लॉक, इसकी बड़ी अनदेखी हो रही है। मैंने देखा कि नैनबाग में जो है इससे भी पहले का बड़ा मेला होता था, विशाल मेला होता था, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि जब सुना है इस बार के कोई मंत्री नहीं आ रहे इसलिए उनको मेला ही स्थगित करना पड़ा। हम विकास मेले का नाम यदि मेले को दे रहे हैं तो तभी संभव है जब कोई राज्य स्तर की कोई प्रतिभाएं हमारे बीच में आए, कोई नेता लोग हमारे बीच में आए और कुछ क्षेत्र में घोषणाएं करें। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को कार्यक्रम ही स्थगित करने पड़ रहे नेताओं के न आने के कारण। विकास की दृष्टि से भी अनदेखी हो रही, बिल्कुल विकास की दृष्टि से अनदेखी है, जब नेता लोग आने को राजी नहीं तो विकास कहाँ रह गया। हमारी जनता जो है आ रही है,
नेता लोगों के चक्कर में नेता आएंगे, कुछ हमारी क्षेत्र की मांगे होगी, लेकिन इस हिसाब से तो हमने इसको जो है खिलाड़ी लोगों में भी, मैं बता दे रहा, नई पीढ़ी के लिए लोगों को मैंने जो अनुभव किया है, हमारा प्रयास ये था कि हम जो है इस मंच के माध्यम से, इस मैदान के माध्यम से जो हमारे